नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले डालते एक नजर आज की ताजा खबरों पर। मुंबई से टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया एयरक्राफ्ट के इंजन का हिस्सा गिरा, भुज में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कैबिनेट की मीटिंग आज। पंजाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन तबाह कर पकड़े ड्रग्स के 2 पैकेट। पीएम नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में दूसरी वर्चुअल रैली हुई रद्द। उत्तराखंड में भाजपा आज घोषणा पत्र जारी करेगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैनिफेस्टो करेंगे जारी। खराब मौसम के चलते असदुद्दीन ओवैसी की बिजनौर में होने वाली जनसभा स्थगित। हिजाब मामले पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, बिकनी घूंघट हिजाब या जींस में से क्या पहनना है ये तय करना महिला का है अधिकार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,000 से अधिक नए मामले आए सामने। केरल के पलक्कड़ में 2 पहाड़ियों के बीच फंसे युवक को सेना ने निकाला बाहर। कर्नाटक में हिजाब पर बढ़ा तनाव, दिन भर प्रदर्शन और हंगामे के बाद 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। केंद्रीय मंत्री बोले, इसमें गजवा ए हिंद का है हाथ। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।